नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स का आज हम वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक्स जो इस वक्त टेक्निकल वीकनेस में ट्रेड कर रहा है और 2.5% का गिरावट शुक्रवार दिन हमको देखने को मिला। 1600 रुपये से इसने रिजेक्शन लिया और लगातार इसमें लो लो पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस पर एक और अपडेट आया हुआ है कि इसराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और इसका फ़ायदा नुकसान क्या रहेगा। तो सीधी बात है, पोर्ट लाइन में ये काम करते हैं और पोर्ट की इंडस्ट्रीज में यही सब मेन होता है। अब यहाँ अगर ये जानने फिर इसराइल के ऊपर अटैक कर देता तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और यहाँ पे मार्केट के अंदर फिर दोबारा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। मतलब अडानी पोर्ट ही नहीं, पूरा मार्केट हमारा गिर सकता है। तो मंडे के दिन आपको ना थोड़ा ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। मंडे के दिन थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। और अगर FFI का डेटा का आप एनालिसिस करते हो तो 1 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुका है, मतलब सेलिंग हो चुकी है इंडियन मार्केट से। ये जो आपको दिख रहा है ना 1600 रुपये से यहाँ तक आया है ना, तो FFI वाले ना यहाँ पर अडानी पोर्ट के अंदर भी सेलिंग किए हैं। तो अभी ये सेलिंग और भी बढ़ सकता है क्योंकि मार्केट के अंदर माहौल ख़राब हुआ है। तो हमारे पास एक अच्छा जो सपोर्ट लेवल था 1300 रुपये, 1300 के आसपास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये लेवल भी टूटते हुए हमको देखने को मिल सकता है। ये लेवल जैसे टूटता है तो फिर नीचे आपको ना 1200 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ चांस है कि अभी और सेलिंग आएगी और 1200 के लेवल पर ये स्टॉक आपको मिल सकता है। तो सारे कंडीशन आपको बता दिया हम। चैनल परिवार सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, रिकमेंडेशन ही जय हिंद।